तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के जो कीबोर्ड होता है ना दोस्तों, उसके अंदर के कमाल के हिडन फीचर या हिडन टिप बताने वाला हूँ, जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। क्या क्या मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग कीबोर्ड के कमाल के फीचर बताने वाला हूँ, जो कि आफ्टर वन यू 6.0 आपको मिलेंगे। तो उसके लिए मैं कहीं भी अपने व्हाट्सएप पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाएंगे तो सबसे पहला जो नया चेंजेस मिला है वो है थीम्स को लेके। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट 5 थीम्स मिल गई हैं, जो कि बहुत शानदार है। अगर यहाँ लाइट पे जाएंगे तो लाइट कलर कितना शानदार यहाँ पर आप लोग लग रहा है, आप देख सकते हैं लाइट कलर में कितना शानदार लग रहा है। सॉलिड लाइट में जाएंगे तो ये और ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। एंड देन डार्क में, डार्क ऐसा लग रहा है, और मुझे सबसे फेवरेट सॉलिड डार्क, बहुत ही शानदार लग रहा है यार, सॉलिड डार्क एक नंबर लग रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कलर पैलेट का मतलब ओवरऑल 5 आपको थीम्स दी गई है। पहले ऐसी नहीं आती थी, अब यहाँ पर आपको 5 थीम्स एड ऑन कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बैक आके देखेंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो लैंग्वेज टाइप का ऑप्शन मिलता है वो तो आपको सबको बताएगी। यहाँ पर अगर आप 2-3 लैंग्वेज यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको यूज़ करना सब आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, लैंग्वेज स्विच करने के लिए आपको कौन सी की है, आपको यहाँ पर की को चूज़ कर लेना, और उसके बाद वहाँ पर आप लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे। बगल में उसके नीचे आपको प्री डिफाइंड टैक्स का ऑप्शन मिलता है, कि मतलब कि कौन कौन से टैक्स आपको ऊपर दिख जाए तो आपको उसको ऑन कर लेना है। साथ में आपको स्टिकर्स के सजेशन मिलते हैं, उसको भी ऑन करके रखना है ताकि आप स्टिकर्स को भी सजेशन ले पाएँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर मोर टाइपिंग सेटिंग में, यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन जो दिया गया है वो ये है, मल्टी लैंग्वेज टैग प्रेडिक्शन। मतलब कि अगर आपने इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ कर रखी है, और अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज में उसका आपको सजेशन दे, ताकि आप इजीली अपना शॉर्टकट को एड ऑन कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे थीम्स के अलावा भी यहाँ पर 4 अलग से आपको और ऑप्शन दे दिए गए, जो कि पहले 2 आते थे। यहाँ पर दिया है ब्लैक लेटर ऑन येलो कीवर्ड, वाइट लेटर ऑन ब्लैक कीवर्ड्स, एंड यहाँ पर येलो लेटर्स ऑन ब्लैक कीवर्ड्स, एंड आपको 4 यहाँ पर एड ऑन और कर दिए गए कि आप इसके हिसाब से भी यहाँ पर अपने थीम्स को क्रिएट कर सकते हैं कीवर्ड के अंदर। उसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मोड्स दे दिए गए, स्टैंडर्ड कीवर्ड मोड, स्प्लिट कीवर्ड मोड, फ्लोटिंग कीवर्ड मोड, स्टैंडर्ड मोड, ये 3-4 आपको मोड दे देंगे, जैसा भी आपको चाहिए आपको चूज कर लेना है। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे लेआउट में, तो आपको लेआउट कैसा रहे, कौन कौन से वर्ड्स दिखे, अल्टरनेट कैरेक्टर दिखे या नहीं दिखे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ऑप्शन को और कर लेना है सेव स्क्रीनशॉट टू कीबोर्ड क्लिपबोर्ड, जैसे कोई भी स्क्रीनशॉट क्लिक हो वो क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाए, ताकि आप उसका इजीली कहीं भी यूज़ कर सकें। अब मेन बात करें यूजेस का, अगर मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँ कीबोर्ड पे, तो यहाँ पर कीबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऐसा सजेशन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर एक नया चेंजेस देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो आपको ये सिग्नल हैंड के लिए बहुत शानदार दे देगा। आप यहाँ से पूरा कीबोर्ड को रोटेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको रोटेट करना है अपने कीबोर्ड को, यहाँ पर रोटेट करके आप अपना यूज़ कर पाएंगे, और ये दोनों में आपको सजेशन देगा, इंग्लिश हिंदी में सब में आपको ये सजेशन देगा। आप देख रहे होंगे आपको ये दे रहा है फैक्स SBI, आपको ऑटोमेटिक ये यहाँ पर सजेशन देना चालू हो गया, जैसे कि मैंने वहाँ पर एड ऑन किया वैसे ही आपको दोनों लैंग्वेज में सपोर्ट देना चालू हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंटली आपके ये मिल जाएंगे इमोजेस आपको सारे मिल जाएंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पर, GIF वाले भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंडिंग्स वाले, बिटकॉइन वाले भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर पॉपुलर्स जो भी हैं वो, और भी बहुत सारे यहाँ पर दिए आप क्रिएट करना चाहें, इतने सारे यहाँ पर कीबोर्ड दिए, सबको आप ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बगल में आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, जो भी आपने क्लिक करा होगा सब आपको यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बगल में आपको माइक का ऑप्शन है, आप कुछ बोल के टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप, हेलो फ्रेंड कैसे हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल के भी टाइप कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आपको टाइप करना है उस लैंग्वेज को यहाँ पर चूज़ कर लो, उस लैंग्वेज में भी वो टाइप होना चालू हो जाएगा।
उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स आपको बताई दी, यहाँ पर जाएंगे थ्री डॉट्स में आपको यहाँ पर फ्लोटिंग स्क्रीन, स्प्लिट कीबोर्ड, फ्लोटिंग कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। फ्लोटिंग मतलब कहीं भी आप उसको रोटेट कर सकते हैं, कहीं भी रोटेट करना हो तो आप कहीं भी इसको रोटेट करा सकते हैं, कीबोर्ड को कहीं भी यूँ करके मूव ऑन कर सकते हैं। और यहाँ फिक्स करना तो फिक्स ऑन भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। उसके बाद बगल में दिया सर्च का ऑप्शन, जो भी कुछ सर्च करना चाहते हैं इमोजेस से रिलेटेड आप यहाँ पर सर्च कर पाएंगे और उसको यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। उसके बगल में दिया है ट्रांसलेटर, जो कि बहुत शानदार है, आपको इंस्टेंट किसी को कुछ ट्रांसफर ट्रांजेक्शन करके लिखना है, जैसे लिखा मैंने हाय सनी, हाउ आर यू, तो करेंटली आप उसको हिंदी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे, वो उसको ओके करेंगे, वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर वहाँ पर सेंड हो जाएगा, हेलो सनी आप कैसे हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट करके भी डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन मिला है, कहीं भी किसी से टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो यहाँ पर उसको ऐड करें और उसमें टेक्स्ट निकाल सकते हैं। सैमसंग पास के सपोर्ट मिलता है, ग्रामी का सपोर्ट मिलता है आपको, जो कि बहुत शानदार है। एंड यूट्यूब्स के से भी अगर कुछ लिंक विंक दिया करना हो तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे पूरा यूट्यूब यहाँ पर खुल जाएगा, वहाँ से भी कुछ लिंक्स को आप यहाँ कॉपी पेस्ट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बगल में जाएंगे आपको इमोजीज, क्लिपबोर्ड, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक एक करके, कीबोर्ड का साइज, टेक्स्ट एडिटिंग, थीम्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं। ओवरऑल जो कि मैंने आपको कुछ हिडन्स या मैंने सारे फीचर्स बता दिए सैमसंग कीबोर्ड के, जो कि बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक यू।